इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीयूटी यूजी के प्रवेश स्टार्ट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उसमें कई कोर्सेज की चौथी और दूसरी कट ऑफ आई हुई है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीसीए की बात करें तो बीसीए में जनरल कैटेगरी में कट ऑफ आई हुई है 439 है। उसके बाद चौथी कट ऑफ है बीएससी बायो में आई हुई है, बीओ के फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में आई, जिसका रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं या इससे इतना या इससे अधिक आपका नंबर है तो आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अन्य डिग्री कॉलेज में भी एडमिशन शुरू है तो उसकी बात करते हैं। जगत तारा डिग्री कॉलेज में भी बीए के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। बीए फर्स्ट ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन वही ले सकते हैं जो जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीओटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। वह पुनः जेटी यानी कि जगत तारा डिग्री कॉलेज के जो वेबसाइट दी गई है उस पर जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल करेगा, तभी आपका एडमिशन कंसीडर किया जाएगा। और जो आप यहाँ पर ऑफलाइन आपको जाना है, ऑफलाइन आपका एडमिशन होना है, वो ऑफलाइन एडमिशन जो है 11 तारीख से स्टार्ट होगा। तो आपको जब नोटिस जारी होगी, आप अगर उस मेरिट लिस्ट जारी होगी, मेरिट लिस्ट क्या, कट ऑफ लिस्ट जारी होगी, जिसमें अगर कट ऑफ के अंतर्गत आते हो आप जाके अपना ऑफलाइन सभी डॉक्यूमेंट लेकर ले जाकर आप वहां पर वेरिफिकेशन और काउंसलिंग अपना कराओगे। ये है इसका तरीका, चाहे बीए का हो चाहे बीकॉम में आए ना, ये दोनों तरीके हैं। और वेबसाइट नीचे दी गई, आप स्वतः वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पर बीकॉम की भी नोटिस आई हुई है। बीकॉम में भी वही सीधी बात कही गई है भैया कि अगर नया आपको जाना है, अगर आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है तो पुनः आपको कॉलेज की वेबसाइट पर एडमिशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपका जो प्रोसेस है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो 11 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएगी। मेरिट कट ऑफ लिस्ट निकलेगी, इसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में। ये पूरा डिटेल दिया गया है और एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हो। पूरा यहाँ पर खुल के आएगी वेबसाइट, मतलब पूरा पीडीएफ खुल के आएगा। पीडीएफ में जो जो लिखा होगा आप पढ़ लीजिए उसको। ये आपको दिखाए कहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप स्टेप वन क्या है, लॉग इन टू एडमिशन पोर्टल, सेटअप दूसरा है फिलिंग फॉर्म और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट करना है, सब्जेक्ट अलॉटेड ऑनलाइन एंड ऑटोमेटिकली गिवन बाई सॉफ्टवेयर द्वारा दिया जाएगा, प्रिंट द सबमिटेड फॉर्म लेना है, प्रिंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग स्लिप आपके पास होनी चाहिए, फिर आपको कॉलेज जाना है जब आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये पूरा तरीका है। फिर आपको नंबर सिक्स स्टेप क्या है, फी पेमेंट करनी है, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कोई भी डाउट हो, यहाँ पर नंबर दिया गया, तो आप वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उनसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात, एस एस खन्ना में भी कल यानी 4 तारीख से भी वहाँ पर भी आपको फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको जाना होगा एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में, जाकर के वहाँ फॉर्म लेना है, फॉर्म फिल करना है बीए फर्स्ट ईयर के लिए। तो आपको इस प्रकार से ऑफलाइन वहाँ पर भी काउंसलिंग होगी, ऑफलाइन आपको फॉर्म फिल करना, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर आपको जाकर एडमिशन लेना है। यही तरीका एसएस खन्ना का भी यही है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।